हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर के बीच की है। देखिए, एसक्यूएल सर्वर जो है काफ़ी एडवांस डेटाबेस है और एक्सेस भी काफ़ी एडवांस है। ऐसा नहीं है कि एक्सेस एडवांस नहीं है, एक्सेस भी एडवांस है। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कम्युनिटी एडिशन। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और उसको डाउनलोड करना होगा आपको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आपको ये जरूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं एक्सेस को भी ऑन कर रहा हूँ ताकि एक्सेस पे भी मैं आपको चीजें दिखा सकूँ। और एक्सेस का 2021 है वो मैंने यूज किया यहाँ पे, तो ये एक्सेस भी ओपन हो गया है और यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी ओपन हो रहा है। तो दोनों ही के ऊपर अच्छे से हम लोग देखेंगे, दोनों ही के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर, यहां से आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब ये हमारा डेटाबेस एसक्यूएल का ओपन हो गया, लेकिन एक्सेस में क्या कहानी है। देखिए, एक्सेस में ये है, अब यहां पर आपको नया डेटाबेस बनाना है तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आएगी। अब इस नई विंडो में डेटाबेस का चाहे तो आप नाम दे दीजिए, यहां पर एक्सटेंशन देख सकते हैं .accdb है, क्लिक कर दीजिएगा तो नया डेटाबेस आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें डेटाबेस बनाने का क्या प्रोसेस है, इसमें दो तरीके से डेटाबेस बनेगा। किस तरीके से, एक तो पहला ये तरीका है कि आप यहाँ पर डेटाबेस जो लिखा हुआ है यहाँ पर जाइए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ न्यू क्वेरी, क्वेरी के थ्रू भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो चलिए यहीं से बना लेते हैं न्यू डेटाबेस। तो ये नया डेटाबेस है, अब इस डेटाबेस को नाम क्या देना है, माई डाटाबेस कर देते हैं, माई डाटाबेस, इसको मैंने नाम दे दिया माई डाटाबेस और एंटर कर देते हैं। ये नया डेटाबेस हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये माई डाटाबेस नीचे आपको दिखेगा, ये दिख रहा है माई डाटाबेस, तो ये हमारा डाटाबेस है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो नीचे और भी चीजें नजर आएंगी। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे ये डाटाबेस ओपन हो गया तो आपको यहाँ पर एक व्यू मिलेगा, यहाँ से आप डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपना डेटाबेस डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसको भी नाम दे देता हूँ माई डाटाबेस, इस टेबल को नाम दे देता हूँ माई टेबल कर देता हूँ, माई टेबल, ठीक है। तो ये कर दिया माई टेबल और एंटर कर देंगे तो ये इस तरीके का नजर आ जाएगा, सिनेरियो नजर आएगा आपको, ठीक है। फील्ड नेम है और डेटा टाइप है, ये देख ही सकते हैं। और ये प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है और ये डिस्क्रिप्शन है कि आप कौन सा डेटा टाइप ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में क्या है, यहाँ पर डेटाबेस बना लिया है माई डेटाबेस, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे या फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेबल आ रहा है, ये प्लस के निशान पर क्लिक कीजिएगा या फिर यहाँ पर टेबल पर जाकर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ न्यू टेबल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, हमें फिलहाल टेबल ही बनाना है तो टेबल पर क्लिक करना है। जैसे टेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कॉलम का नाम देना है, जैसे मान लीजिए पहला कॉलम है रोल नंबर, तो रोल अंडरस्कोर नंबर दे देते हैं, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा। यहाँ पर इसी तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है, अंडरस्कोर लगाए बिना मत लिखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिलते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सेस से हट करके यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप मिलते हैं। आमतौर पे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एन कैर सेट रहता है, ठीक है, तो ये एन कैर। अब यहाँ पे ये चाहे ना तो आप यहाँ पर ये संख्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है ना तो यहाँ पर 12, 13 आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 13 कर दिया। अब ये रोल नंबर हो गया, लेकिन रोल नंबर को हमने प्राइमरी की नहीं बनाया। यहाँ पर देखिएगा एक्सेस में, एक्सेस ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर आईडी दिया गया तो इसको भी हटा देंगे, यहाँ कर देंगे रोल अंडरस्कोर नंबर, ये नंबर कर दिया। अब इस तरीके से करके यहाँ पर ऑटो नंबर आ रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पर डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, चाहे तो ऑटो नंबर कर सकते हैं, तो इसमें ऑटो नंबर का भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ये ऑटो नंबर खुद से नंबर जनरेट करेगा, लेकिन इसमें कोई ऑटो नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स कर देंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी एन कैर ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एन कैर ही रहने देते हैं और 10 ही रहने देते हैं इस बार, ठीक है। अच्छा, इसको प्राइमरी की बनाना है, यहाँ पर एक्सेस में तो ये प्राइमरी की है, रोल नंबर तो प्राइमरी की ही है, लेकिन नेम ऑफ स्टूडेंट जो है ये प्राइमरी की नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कैसे, यहाँ पर लिखेंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट जो है ये प्राइमरी की नहीं होगा, ये तो फॉरेन की होगा। अब फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की ऑलवेज डुप्लीकेट रहती है, डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है, ये याद रखिएगा। इसमें प्राइमरी की तो बनाया नहीं, तो इसमें क्या तरीका है, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा सेट प्राइमरी की, तो बस प्राइमरी की बना दीजिए तो ये बन गया प्राइमरी की, ठीक है। और अलाउ नल वैल्यू, तो प्राइमरी की में नल वैल्यू तो कतई अलाउ नहीं होती है, ये याद रखिएगा, इस पर टिक भी करना चाहेंगे तो नहीं होगा। कह रहा है अलाउ नल्स प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑन अ कॉलम विच इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का पार्ट है ये,
तो नल वैल्यू तो आप दे ही नहीं सकते। अब यहाँ पे दो तीन सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट के नाम, पहला कंप्यूटर कर लिया, दूसरा क्या करेंगे इंग्लिश कर लेते हैं, तीसरा हिंदी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों में कंपैरिजन करके एक एक चीज बता रहा हूं, हिंदी HINDI, तो ये हिंदी हो गया। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर हम इंटीजर ले लें, इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे, ठीक है, या यहाँ पर फ्लोट ले सकते हैं या इंटीजर कोई भी ऐसा ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम चल के क्या लेंगे, फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, फ्लोट ले लेंगे, तो यहाँ से जाकर के फ्लोट कर लेते हैं, या न्यूमेरिक भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो न्यूमेरिक ले लेंगे तो भी ठीक है, फ्लोट ले लेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोट लेकर के ओके करेंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर में भी क्या करेंगे, फ्लोट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के मैं फ्लोट डेटा टाइप लूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाकर के मैं क्या लूंगा, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट, क्लियर। तो यहाँ पे तीनों में फ्लोट डेटा टाइप हमने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, बस हो गया, यहीं तक हमें चाहिए। अब यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल हम क्वेरी बना करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ से सेव करेंगे, यस, और इसको टेबल वन के ही नाम से सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया, आप टेबल वन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डेटा दिखाई देगा। अब ये दिख नहीं रहा है, इसको रिफ्रेश करना होगा तब ये दिखेगा। ये देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा और एडिट टॉप 200 रोज पे जाइएगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं, ये इस तरीके से डेटाबेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस में क्या कहानी है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे कर देते हैं कंप्यूटर, देखिए, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको नंबर, वहां पर नंबर नहीं था, वहां पर कुछ और था, नंबर भी था मतलब, लेकिन वहां पर हम लोगों ने फ्लोट लिया था, यहाँ पर फ्लोट नाम का डेटा टाइप आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश करते हैं और यहाँ पे मैथ्स कर देते हैं, MATHS, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने, और यहाँ पर क्या करना है, नंबर ही डेटा टाइप आपको रखना है, यहाँ पर नंबर ही डेटा टाइप आपको रखना है, तो ये कर लिया। और यहाँ पर तो कैलकुलेशन यहीं पर हो जाता है, तो टोटल अगर करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो यहीं पर आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो नाम दिए थे, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, यहीं पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, प्लस का निशान लगाइए। फिर यहाँ क्या करेंगे, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश हो गया प्लस। अब लास्ट में क्या है, हिंदी है तो हिंदी कर देते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स है तो मैथ्स कर देंगे, जो भी सब्जेक्ट है, तो ये हो गया। अब इसको बंद करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर अब हमारी क्वेरी तो हमने बनाया ही नहीं है, खैर, तो यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने कोई क्वेरी ही नहीं बनाई इसमें, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम लिखा राम, और यहाँ पर मान लीजिए 60 मार्क्स यहाँ पे जो भी हो एंटर करिए, और यहाँ पे टोटल अपने आप होता नजर आएगा आपको। लेकिन SQL सर्वर में कहानी ऐसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेरी बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर रोल नंबर एंटर करते हैं 1 और नाम एंटर करते हैं राम, और यहाँ पर 66 इसमें, 88 इसमें और 88 इसमें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल नहीं नजर आ रहा है। तो टोटल नजर आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, क्लिक करेंगे न्यू क्वेरी पे, ठीक है। और क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट कमांड, तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है हमको, तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट ROLL रोल अंडरस्कोर नंबर, ये हो गया रोल नंबर, कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद क्या करना है, ये देखिए रोल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नहीं हमें, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स देने के बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद क्या करना है, कॉमा देने के बाद कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे COMPUTER कंप्यूटर कॉमा इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश कॉमा हिंदी करेंगे, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे, जो भी दिया गया इसमें, वो सारे ही यहाँ पे दे देंगे हम, हिंदी ही है तो यहाँ पे हिंदी दे देंगे, ये हो गया। अब इन सब को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर इन्हीं को फिर वापस से ले लेंगे, यानी कि ये जो दिया गया है ना सब्जेक्ट का नेम, इन्हीं सब्जेक्ट के नेम को उठाएंगे, यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इनके बीच में खाली प्लस का निशान लगा दीजिए, प्लस का निशान लगाइए, ये प्लस यहाँ पर, ये प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बंद करेंगे और इस फील्ड को एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, एज टोटल, TOTAL टोटल हो गया, ठीक है। और कहां से आएगा, तो फ्रॉम टेबल, क्या नाम है टेबल का, टेबल का नाम देखना पड़ेगा हमको, तो टेबल का नाम है टेबल अंडरस्कोर वन, ठीक है, टेबल अंडरस्कोर वन, ये दे दिया हमने, और टर्मिनेशन दे दिया यहाँ पे। टर्मिनेट करने के बाद क्या करना है, टर्मिनेट करने के बाद यहाँ से एक्सिक्यूट करना है, तो एक्सिक्यूट किया हमने,
तो यहां पर देखिए टोटल भी होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए एक बार, टोटल आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब जब भी टेबल में हमें डेटा एंटर करेंगे तो यहां से बस हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर आए, यहां पर गए और यहां से एडिट टॉप 200 रोज किया। अब यहां पर फिर डेटा एंटर कर रहा हूं, देखिएगा एक्सेस में तो बहुत आसान है, एक्सेस में तो आपने देखा ही, यहां पर लिखता हूं आशीष एक नाम लिखता हूं और यहां पर मार्क्स देंगे, जो भी मार्क्स मिले हैं इनको वो मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। फिर यहां थर्ड नंबर का डेटा एंटर कीजिए, आयुष, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए तीन डेटा इसको एंटर किया, लेकिन क्वेरी हमारी क्या है, ये है। इस क्वेरी को एक बार एक्सीक्यूट कराएंगे, तो एक्सीक्यूट कराएंगे तो यहां पर टोटल भी होता हुआ नजर आएगा, सबका टोटल हो रहा है कि नहीं। लेकिन एक्सेस में क्या कहानी है, एक्सेस में आपने ये एक बार कर दिया तो यहां पर अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, एक्सेस तो आपके काम को और भी ज्यादा आसान बना देता है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये टोटल अपने आप हो गया, और यहां पे गौरव एक और नाम लिखता हूं, यहां पे 4433 हो गया, ये हो गया। तो यहां पे देखिए ये अपने आप टोटल करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एसक्यूएल सर्वर, अब ये भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, एसक्यूएल सर्वर जो है ये सर्वर पर काम करता है और ये ऑनलाइन काम करेगा, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन आसान है, करके भी देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ओके, थैंक यू।